नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 12 अगस्त 2024। साथियों, मैं किसी कारणवश बाहर हूं, तो अगर कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो उसके लिए आज मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। कल से आपको बेहतर सेशन है जो मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। साथियों, ये सेंटर खोला जाएगा। यह प्रदेश का साथियों चौथा सेंटर होगा। इससे पहले प्रदेश के अंदर 3 सेंटर हैं, वो कहां पर हैं? जयपुर, अजमेर और जोधपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर ये की है, और ये अपने प्रदेश का चौथा सेंटर होगा। इससे पहले 3 है, वो है जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ये सब चीजें आपको यादें रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द्वितीय साउथ एशियन ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप में प्रदेश की देवांशी जो पाठक है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। द्वितीय साउथ एशियन ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप में प्रदेश की देवांशी पाठक ने कौन सा पदक है? तो कांस्य पदक जीता है। उदयपुर की देवांशी पाठक ने कांस्य पदक जीता, और प्रतियोगिता है जो साथियों उसका आयोजन है जो भूटान में किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है। इनका संबंध है जो कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा साथियों उदयपुर से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका हाल ही के अंदर है जो क्या हो गया था? निधन हो गया था, वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नटवरे सिंह। आपसे पूछा है कि हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, वो कौन थे? तो नटवर सिंह। नटवर सिंह का जन्म भरतपुर के जिगना गाँव में हुआ था। 1984 से भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है कि पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नटवर सिंह थे। 8 अगस्त 2024 को अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो साथियों ये सम्मेलन आपका जयपुर के अंदर हुआ है। इस अवसर पर RUN तथा गेल इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें 4200 करोड़ रुपए का निवेश है जो किया जाएगा। कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा इसके अंदर? 4200 करोड़ रुपए का है जो साथियों इसके अंदर निवेश होगा। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो जयपुर के अंदर हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र के विकास हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। बजट 2024-25 में साथियों इसकी घोषणा की गई है कि पूर्वी राजस्थान के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनके विकास हेतु कौन सी योजना? तो ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा है 2024-25 के बजट में की गई थी। साथियों, जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सेशन है जो मैंने आपको मतलब कुछ ना कुछ तो आज के दिन मिले, मैं किसी कारण से बाहर था। इसके अलावा जो सूरज सार के अंदर जो चीज इम्पोर्टेंट है उस पर अपने बात करें तो मीराबाई ने भक्ति की अमर धारा से भारत की चेतना को सींचा है, मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट रहा है। इसके अंदर देखिए साथियों कि प्रातःकाल के सुबह के अवसर पर साथियों जो फोटो है उसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री है जो मौत के साथ है जो विराजमान है राष्ट्रीय पक्षी। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेरठ भक्ति और शक्ति की धरती है, भगत शिरोमणि मीराबाई की भक्ति अतुलनीय है, मीरा जैसे भक्त हमारे मुनियों ऋषि मुनियों ने इस देश को है जो दिए हैं, ज्ञान का केंद्र माना है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमर धारा से भारत की चेतना को सींचा है। शर्मा ने साथियों नागौर के मेहता सिटी में आयोजित 520वें मीरा महोत्सव के अंदर है जो साथियों यह बातें उन्होंने की है। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री ने विरासत को विकास से जोड़ा है, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी है जो साथियों आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का रहा है। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने विरासत को विकास से जोड़ा है, मीराबाई ने भक्ति की अमर धारा से भारत की चेतना को सिंचा, ये आपने देखा है। इसके अलावा साथियों प्रदेश में धार्मिक स्थलों का हो रहा है विकास व जीर्णोद्धार। शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 में मंदिरों में
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा है जो की गई है। इसके अंदर ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है रहेगी और आपसे साथ में पूछी भी जा सकती है। बजट में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के विकास की जो घोषणाएं की गई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 132 केवी जीएसएस का निर्माण, मेड़ता नोड में नगर पालिका बनाएंगे, मेड़ता सिटी में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुलेगा, मेड़ता कृषि उपज मंडी के विस्तार में मेड़ता सिटी में जो साथियों ये कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार की ये जो जानकारी है उन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा बजट है उसके अंदर धार्मिक स्थलों का भी है जो विकास है जो पूरे जोर शोर से किया जाएगा। इस प्रकार का है जो स्टेटमेंट किसका है साथियों, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का। इसके अलावा साथियों स्पीकर वासुदेव नानी जी ने जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की उसके बारे में ये फोटो है। इसके अलावा रिंगस खाटू श्याम जी, नई रेल लाइन को मंजूरी है जो मिल चुकी है। राजस्थान में 4894 किलोमीटर की 54 रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य है जो स्वीकृत किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, इसका ये बताया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने साथियों इसके अंदर बताया गया कि शुक्रवार को दुदू जिले में हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने साथियों उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र का फीता काट कर है जो स्वागत है जो इसके अंदर किया है इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों प्रदेश को मिलेगी 500 के अतिरिक्त, इसके अंदर ये बताया गया है कि प्रदेश के अंदर है जो साथियों जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी संख्या है जो बढ़ा दी गई है। इसके अंदर ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश को मिलेगी 500 के अतिरिक्त 175 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो इसकी घोषणा है। जो साथियों पीएम ई सेवा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए जो साथियों ये कार्य है जो किए जा रहे हैं। उसके अंदर ये साथियों अपने राजस्थान के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में साथियों ये बताया गया है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी और यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन है जो साथियों आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है रहेगी। इस चीज को आप साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर है जो मैं टीम के द्वारा आपके साथ ऐड करवा दूंगा जिससे आपको है जो आसानी से ये सारा कंटेंट है मिले जाएगा। इसके अलावा अपने बात करें साथियों जो सूजत सार है सीधे के सीधे क्वेश्चन सूजत सार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे रिंगस खाटू वाला ये जो साथियों दे रखा है इसके अंदर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहेगी और आपसे एग्जाम के माध्यम से पूछी जा सकती है कि कितनी किलोमीटर की एक्स्ट्रा जो लाइने हैं वो है जो राजस्थान को मिली है। तो आंसर आपको होना चाहिए 4894 किलोमीटर की जो नई सड़कें हैं वो राजस्थान को मिली है। इसके अलावा पीएम ई बस को है तो जल्दी साथियों सरकार शुरू करने की तैयारी में है। तो ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय आदिवासी समाज के विकास का प्रतीक है, ऊर्जा मंत्री का साथियों ये स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा साथियों जो स्पीकर हैं वासुदेव नानी जी उन्होंने पीएम मोदी जी से मुलाकात की है साथियों। इसके अलावा साथियों इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो पीएम ई बस सेवाएं हैं जो शुरू की जाएगी उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है जो किया जाएगा। इन शहरों को है जो मिलेगी अतिरिक्त बसें, पहले साथियों के अंदर से 500 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी लेकिन अब 175 बसों का और आवंटन किया गया है। अजमेर को 50, जोधपुर को 50, कोटा को 50 और बीकानेर को 25 इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन किया गया है। ये जो सब चीजें हैं साथियों इम्पोर्टेंट है देखिए यानी किस जिले को कितनी मिली है इस प्रकार की इसके अंदर ये जो जानकारी है जो दी गई है। इसके अलावा साथियों रिंगस खाटू श्याम जी नई रेल लाइन को मंजूरी है, ये चीज इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी आज के सेशन के अंदर। और अपने बात करें तो साथियों इसके अंदर आपने देखें तो प्रदेश में जो धार्मिक स्थलों का हो रहा विकास व जीर्णोद्धार उसके बारे में मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन का जो क्वेश्चन है साथियों वो आपके लिए रहेगा कि पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो है नटवर सिंह है, इनका संबंध कहाँ से रहेगा, भरतपुर के झिंगना गांव से है जो साथियों इनका संबंध रहने वाला है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं किसी कारण बाहर का साथियों जो एक्स्ट्रा आपको आवाज सुनाई दे रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से जो आपको सेशन मिलेगा उसके अंदर ये सब चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको एज इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा दिया जा रहा है।
और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो निःशुल्क मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स से, और साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको जो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको साथियों ई नोट्स के अंदर दी जा रही है, जिससे साथियों आपका भी जो पैसा है उसकी भी बचत होगी। इसके अलावा ई नोट्स के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके साथ है वहां पर आपको शेयर कर दी जाती है। ई नोट्स के माध्यम से भी साथियों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर है तो साथियों वो भी सुविधा आपको दी जा रही है। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से साथियों, और सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद।